हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुरुग्राम की विपुल वर्ल्ड सोसाइटी में 500 परिवारों की जिंदगी में अंधेरा हो गया है। विपुल वर्ल्ड सोसाइटी में लोगों ने भले ही करोड़ों रुपए के घर खरीद लिए हों मगर बिजली नहीं है। बिजली विभाग ने सोसाइटी में बिजली कनेक्शन देने से साफ मना कर दिया है क्योंकि बिजली विभाग का विपुल वर्ल्ड बिल्डर पर 15 करोड़ रुपए बकाया है। विपुल वर्ल्ड बिल्डर एक बड़ा डिफॉल्टर है। बिल्डर की गलती की सजा विपुल वर्ल्ड सोसाइटी में रहने वाले आम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। अपना घर होने के बावजूद भी लोग रेंट के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि सोसाइटी में करोड़ों रुपए के घर खरीदने के बाद भी जब घर में बिजली ही नहीं है तो लोग अंधेरे में रहकर क्या करेंगे। इस सोसाइटी के लोगों ने हर जगह शिकायत की, हर किसी का दरवाजा खटखटाया मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी कड़ी में विपुल वर्ल्ड सोसाइटी के तमाम लोगों ने विपुल वर्ल्ड बिल्डर के ऑफिस पर घेराव किया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हर किसी की बस एक ही मांग है कि हमारा क्या कसूर है, हमें बिजली का कनेक्शन दो। गलती बिल्डर की और सजा आम लोगों को मिल रही है। सोसाइटी के लोगों के साथ जब मीडिया कर्मी भी वहां पहुंचे तो बिल्डर के होश उड़ गए। मीडिया को देखकर बिल्डर मालिक इधर उधर भागने लगे लेकिन तमाम लोगों की भीड़ को देखकर बिल्डर को मजबूत होना पड़ा और सोसाइटी के लोगों से बातचीत करनी पड़ी। बिल्डर ने सोसाइटी के लोगों को 30 सितंबर तक का समय दिया है। 30 सितंबर तक डिफॉल्टर बिल्डर अपना 15 करोड़ रुपए बकाया बिजली विभाग में जमा करा देगा। सोसाइटी के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 30 सितंबर तक बिल्डर ने 15 करोड़ रुपए बिजली विभाग में जमा नहीं कराए तो वे सड़कों पर उतरकर इससे भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन करेंगे और कानून को अपने हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विकास ओलियान की रिपोर्ट। हम मिलेनियम सिटी में रह रहे हैं और सिटीजन हैं और वोटर्स हैं हम लोग। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि आज हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए लड़ रहे हैं। 2 करोड़ का घर लिया है, हम शिफ्ट 1 साल से नहीं हो पा रहे हैं। हमें तो बहुत ही शर्मिंदगी हो रही कि हम इंडियन सिटीजन्स का ये हाल है और ये अपर मिडिल क्लास का ये हाल है, तो और लोगों का क्या हाल होगा। एक सिंपल सी बात है, पैसे हमने भर रखे हैं, आज यहाँ पर विपुल वर्ल्ड की इस बिल्डिंग के अंदर इनके एसी चल रहे हैं और हमारे घरों में लाइटें नहीं है। 4th फ्लोर पे हम रहते हैं और हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि जिससे हम ऊपर चढ़ सके, और बच्चों को उठाकर भी ऊपर लेकर जाना होता है, घर का सामान भी लेकर जाना होता है, और हमारे माँ बाप हमारे घर में आकर रह नहीं सकते क्योंकि वो 4 फ्लोर नहीं चढ़ सकते। हमारी क्या गलती थी? अगर हमारी गलती होती कि हम एक अवैध कॉलोनी में हिस्सा लेते, हमारी गलती होती कि हम एक ऐसा काम करते जो सरकार ने हमें मना किया था। हमने तो पूरी रजिस्ट्री के पैसे दिए, विपुल को पैसे दिए, सबको दिए। हमारी एक गलती बता दो, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें मैम बॉल गेम ही चल रही है, ये करेगा या वो करेगा, मुझे क्या लेना देना इसमें? मैं अपनी जॉब पर जाऊं या यहां पर आऊं? हमने आज सभी लोग अपनी अपनी जॉब से घर आए हैं, यहां पर आए हैं, तो हम सभी अपनी नौकरी छोड़ कर आए हैं, तो इसका सलूशन चाहिए। मैडम बिल्कुल भी सही नहीं है। लाइक ही सेड, आई एम आल्सो अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन। आई एम स्टैंडिंग हियर विद ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हियर। आई थिंक आज की मीटिंग के बाद भी जैसे जयवीर जी ने बोला, हमें नहीं लगता बिल्डर के कान पे जू भी रहेंगी। दिस इज जस्ट अनदर डेट दैट वी हैव गॉट। एंड लाइक जयवीर जी वेरी राइटली सेड, हम सारे के सारे लोग, हमारे परिवार, फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज, सारे जयवीर जी के साथ हैं। हम लोग अब रोड पे उतरेंगे मैडम, अब वो चाहे कानूनी है चाहे वो गैर कानूनी है। माय मॉम एट होम यूजेस ऑक्सीजन एंड शी कैन नॉट यूज दैट व्हेन आई लिव हियर। सो अगर मैं 3 करोड़ रुपए खर्चने के बाद, सरकार को रजिस्ट्री के पूरे पैसे देने के बाद, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद, रिसीव करने के बाद, अगर अपनी मॉम के साथ नहीं रह पा रहा हूं क्योंकि यहां पर वो ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकती, आई थिंक मुझे सड़क पे उतर के कानून को हाथ में लेने का अधिकार है। देखो बिल्डर से आज हमारी पूरी विपुल वर्ल्ड सोसाइटी के लोग मिलने आए हुए हैं और हम पहले भी, हमने कमेटी बनाई हुई है 5-10 लोगों की, हम यहाँ कम से कम 50-100 चक्कर काट चुके हैं, आराम से बैठ के इनसे बात कर चुके हैं। आज हमारी पूरी सोसाइटी उठ के आ गई है यहाँ। बिल्डर का वही आश्वासन है जो पहले मिलता रहा है, बिल्डर की तरफ से कोई ठोस हमें ऐसा नहीं लगा। उन्होंने वही नेक्स्ट डेट कि भाई आप 30 सितंबर तक का वेट करो, बैंक गारंटी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, 30 सितंबर तक हमारी हो जाएगी। बैंक के डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें दिखाए हैं, अप्लाई उन्होंने किया हुआ है, वो सब कुछ एक्वायरी थी वो भी उन्होंने रिप्लाई किया हुआ है, लेकिन 30 सितंबर तक का उन्होंने टाइम लिया कि 30 सितंबर तक हम जो 10 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी है वो हम दे देंगे। हम उसका वेट कर रहे हैं, हम और वेट हम करें क्यों? अब हम वेट नहीं करेंगे गारंटी का, एक बात तो ये है जी। अभी हम कल ही सभी इकट्ठे होके डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे और ज्ञापन हम यही देंगे कि हमें मतलब नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।